और यहाँ से फाइनली दोस्तों समस्तीपुर जिला खत्म हो गया और दरभंगा जिला में प्रवेश कर चुके हैं। इतना देर दोस्तों समस्तीपुर जिला में घूम रहे थे, अभी हम दरभंगा जिला में प्रवेश कर चुके हैं। और दरभंगा जिला का वातावरण देखिए, यहाँ का ही वातावरण बहुत अच्छे है। जिला दरभंगा देखो, हम लोग अभी सिंघिया बाजार में भ्रमण कर रहे हैं। यह मार्ग है जो डेरी चौक की ओर जाते हैं। सामने प्रशासन की गाड़ी आ रही है, देख सकते हैं। अभी मेला के या टी न्यूज वाला टी न्यूज देखिए, इधर से जाएंगे उधर मसानखुन, इधर से जाएंगे अपने गांव की ओर। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, इधर पंजाब नेशनल बैंक हुआ और इधर लोकेशन, आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि कौन गांव से कहां आए थे सिंघिया, कौन गांव से आए थे सिंघिया मामा जी? सोनमा से सिंघिया आए थे, शॉर्टकट मारे थे। तो अभी जा रहे हैं सिंघिया से अपने गांव। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा और देख सकते हैं इधर कचरा साफ हो रही है मैम जी की ओर से। और बहुत ही सुंदर रोड है क्योंकि दोनों साइड हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। कितना अच्छा पेड़ है, यहाँ पे वातावरण बिल्कुल शुद्ध लग रहा है क्योंकि हरियाली है और हरियाली में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है, जिसके बहुत आनंद लग रहा है। छाती पीट के मामा जी बोल रहे, बहुत आनंद लग रहा है, सही में रियल बोल रहे हैं। तो गाइस, आप लोग वीडियो बने रहिएगा कंटिन्यू। और सड़क देखिए कितना साफ सुथरा है, इसके हवा देखिए, हवा में किस हवा बैठा हो गया। और आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, कितने समय में पहुंचते हैं अपने गांव। ट्रेवल ब्लॉगिंग है, वेलकम आवर न्यू ऑडियंस एंड इन सिंघिया। अभी हम लोग बड़ी हाट के पास है, यहाँ पे हटिया लगता है, यहाँ पे दुर्गा मंदिर भी है। इधर हुआ एक और गांव, इधर हुआ इधर वो रोड जाता है। हाँ, देखिए बेना डोला रहा है क्योंकि गर्मी लग रहा है। तो गाइस पानी देख सकते हैं, रोड का नजारा चक्का टाल है, तब पर भी उड़ा रहा है मोटरसाइकिल को एगो बंदा। और आज अभी फाइनली देख सकते हैं अभी कहाँ पहुँचे, अभी हम लोग धगजारी गांव पहुँच गए हैं। हाँ, और आगे धगजारी चौक आने वाला है। हाँ, हम आपको यहाँ पे एक एक गांव के बारे में बताएंगे कि यह जो सिंघिया से मैं भी कछुआ बेर चोट यानी जाते हैं सड़क, हम एक एक गांव का आपको लोकेशन देते चलेंगे। आप लोग ये वीडियो में लगातार बने रहिए। हाँ,
और ऐसे ही कहीं कहीं जाते रहेंगे, आपको हम दिखाते रहेंगे रोड का लुकेश लुक कैसा रहता है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे, और हम लोग ज़्यादातर शॉर्टकट रास्ता मारते हैं, कैसे शॉर्टकट में जल्दी पहुँचे कहीं पे। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा और शॉर्टकट रास्ता इस ब्लॉग के माध्यम से देखते रहिएगा। दोस्तों हम लोग धजौरी चौक निकल करके अब जो चौक आने वाला है वह कर्पूरी चौक आने वाला है। कर्पूरी चौक से यानी कर्पूरी चौक से दो जगह और रास्ता जाता है। अच्छा। पूरब की ओर यानी राइट साइड जो रास्ता जाएगा। अच्छा। वीडियो में देखेंगे। अच्छा। वो आपको डुमरा बेलाही हरदिया होते हुए उधर और सारे गांव जाएंगे। अच्छा। और जो लेफ्ट साइड में सड़क जाएगा वो सड़क आपको वारी गांव की ओर जाएंगे, जगना जाएंगे, रजबनी किसका जाएंगे, आप इधर को जाएंगे, इधर, इधर? ये जो सड़क है आपको जाएंगे डुमरा, इधर इधर जो सड़क है वो जाएंगे वारी वारी इधर, और ये जो सीधा स्टेट जा रहे हैं ये जाएगा बेरी चौक। अब देखिए हम लोग कर्पूरी चौक पार कर चुके हैं, नहीं अभी कर्पूरी चौक में चल रहे क्योंकि ये चौक थोड़ा लंबा चौड़ा है। अच्छा। और सामने कर्पूरी चौक में एक फेमस स्कूल है। हाँ हाँ। उस फेमस स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल सिंगिया। देख सकते हैं, देखिए सिंगिया। वेलकम टू दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल इन सिंगिया। ये देखिए टावर है, दुकान है सामने। देखिए दोस्तों इस मोड़ पे एक सुंदर सा बिल्डिंग नजर आ रहा है। इस बिल्डिंग को बनने में लगभग 8 साल लगा था, जब बचपन से हम तब से जान रहे इस बिल्डिंग को। और यह गांव हो गया बसौली, यहाँ पे मुस्लिम की घनी आबादी जनसंख्या है ये भी आपको बता दूं। और यहाँ पे गाड़ी को स्लो करके जाना पड़ता है, आप रोड पे भी देख सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे मुस्लिम का इलाका है और वो लोग ज्यादा संख्या में बच्चे उच्चे रोड पे आ जाते हैं इसीलिए बोले। अच्छा। यहाँ पे मेरा ये मुद्दा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पे जो है मुस्लिम में ज्यादा लोग रहते हैं रोड साइड में। देखिए देखिए तो गाइस फाइनली हम लोग के आंखों में धूल बहुत से लग रहे हैं और हम लोग कर्पूरी यानी कि चौक निकल के बसौली गांव होते हुए अभी प्रस्थान कर रहे हैं वारी चौक। इधर देखिए वारी चौक से पहले एक जो है बिजली जाता है 4 लाख वोल्ट का जो दिल्ली टू भूटान जाती है, बिजली खंभा को देख सकते हैं। और यह सड़क का एक खास बात है, जब यहाँ पे बाढ़ आता है तो ये सड़क पे पानी ठौना भर के हो जाता है और इस पानी में चलना पड़ता है। लेकिन बट इस वर्ष बाढ़ नहीं आया है, नहीं आया। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं किस हाथ में देखिए गाड़ी की लगातार टेम्पू वाले सब को देखिए। हाँ इधर कौन सा रास्ता जाएंगे, इधर कौन सा गांव जाएंगे, वारी गांव जाएंगे, इधर वारी गांव। हाँ हाँ ये वारी गांव जाएंगे, इधर जाएंगे। हम लोग का रूट ये हुआ, हम लोग का रूट ये सीधा हुआ और देख सकते हैं। और इधर कुछ दुकान सब है, आज आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। लमसम 8:30 का वीडियो हो चुका है और इधर देख सकते हैं स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, मध्य विद्यालय स्कूल है। हाँ। वारी। हाँ। और इस वारी गांव के बाद बता दे बहुत ही इस गांव वारी है ना बहुत ही सुंदर है। अच्छा। और इस गांव में एक अच्छा महाराज रहते थे। अच्छा। मतलब एक जमींदार थे। अच्छा। जब बहुत ही दयालु थे। हाँ। जितने गरीब लोग थे उस सब पे हाँ यानी दया करते थे, दया का भावना था उनके मन। अच्छा। में अच्छा लोगों को भलाई करते थे। अच्छा। और ये वारी स्कूल में देखिए प्लस टू स्कूल एक है। हाँ। स्कूल का नाम है प्लस टू तारा कांत मुन्ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और दोस्तों बता दे इस स्कूल में हम 12वीं का यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम भी दिए थे जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा नंबर मिला था, इसके लिए इसके कॉलेज को स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वारी गांव में है ना हमेशा राम नाम कृष्ण नाम का धुन बजते ही रहता है।
और दोस्तों अभी हम लोग ग्वारी गांव से ग्वारी चौक से आगे आ गए हैं मंगला पर, और मंगला पर माँ काली का बहुत ही सुंदर एक मंदिर है। मंदिर का भी आप दृश्य देखेंगे। ये हम लोग आ गए हैं मंगला काली माँ की मंदिर, और ये जो मार्ग देख रहे हैं ये जाता है राजमंदिर। राज देखिए जो मार गए थे उसी होकर गए थे वहाँ। कहाँ गए थे जी? जहाँ फिल्म शूटिंग हो रहा था। हाँ, फिल्म शूटिंग का मैं भी सीन और उसी होकर आए। कौन से गांव बोले थे आप जो सिंह तक गए थे उस ब्लॉक? वो जो है ना सोनवा से सिया गए। यस, सोनवा से। हाँ, इसी थोड़ी क्या रजवनी होकर गए थे और उसी होकर सिंह निकल गए। कहीं से ड्यूटी करके आ रहे हैं। और कौन से गांव में अभी हम लोग पिपरा ग्राम में पहुंच गए हैं। इस गांव के बारे में थोड़ा आपको इतिहास बता दूं। ये जो पिपरा ग्राम है यहाँ पे तिरमानी कहा जाता है। यहाँ पे तीन छोटे छोटे नदी का संगम है और यहाँ से इस इलाका के जहाँ भी जब कलश यात्रा होता है तो यहाँ पे जो कमला नदी है यहाँ से जल भरा जाता है और ये पेट्रोल पंप है। इधर देखिए पुल पिपरा का, पिपरा घाट का पुल यही है। और इधर इधर किधर किधर जाएंगे? ये हरदिया की ओर जाएंगे रोड, हरदिया की ओर जाएंगे। और ये पुल पे पहुँच गए हैं और ये वही नदी है जहाँ से कलश कन्या सब कलश के लिए जल भरते हैं। नामी जानी है। और देखिए पुल, देखिए पुल इधर हटिया लगा हुआ है। अंग्रेज जमाना का पुल देख लिया आप लोग जो कि पिपरा घाट के बगल में है। और ये सामने लेफ्ट साइड जो जाता है रोड ये हाटी उसकी हाटी सुपौल 17 नंबर रोड जाते हैं। इधर देखिए एगो देहाती बॉय बाइक पर चढ़ते जा रहे हैं। देहाती बॉय है? हाँ, अपना चलते रहिए इससे बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, और हम लोग चल रहे हैं तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। देहाती बॉय चैनल वाले भाई पीछे आ गए हैं। इसीलिए पीछे हो गया क्योंकि उनके गाड़ी पर है एक लेडीज थी। अब लेडीज जो भी हो हम लोग नहीं जानते हैं और वो अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं स्लो। और ऐसे ही ड्राइव करना ही चाहिए। ड्राइव फाइनली 12-13 मिनट का वीडियो हो चुकी है और हाल फिलहाल ही वहाँ पहुँचने वाले हैं अपने गाँव घर। हरे कृष्णा हम लोग बंगरट्टा ग्राम में प्रवेश कर रहे हैं। देख लिए घुमटा घूम रहे हैं दारू पीकर। यह बंगरट्टा ग्राम में घुस रहे हैं। यहाँ पे एक हाई स्कूल है, एक कॉलेज है, बहुत ही सुंदर कॉलेज है। इस कॉलेज का भी दृश्य दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यह कॉलेज का नाम है +2 राम बद्री नारायण विश्वनाथ उच्च विद्यालय बंगरट्टा। बंगरट्टा इज वेलकम टू बंगरट्टा। तो गाइस देख सकते हैं आगे में कुछ अलग टाइप का घर लुक दिखाई दे रहे हैं और इधर कुछ मंदिर है एक है। इधर टच द स्काई का बैनर लगा हुआ है देखिए। और इधर कुछ जा रहे हैं देवी देवताएं, देवी सब, कन्याएं सब। और आगे पर आपको दोस्तों मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि सड़क बहुत ही खराब है जिसकी वजह से यहाँ पे जाम लग गया है।
देख सकते हैं। देखिए एक ट्रक लगल है और हम लोग थोड़ा दूर में ही रुकेंगे क्योंकि आगे जाम है। हाँ तो गाइस फाइनली देख सकते हैं ट्रक निकल गया, खुल गया है। इधर देखिए बैरियर लगल है। नहीं नहीं ये खतरा की निशानी है, वहाँ पे दुर्घटना हो सकता है। और एक मंदिर, काफी अच्छी मंदिर, बजरंग बली का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर, सुंदर मंदिर। और सड़क का हालात आप तो देख ही लिए क्या स्थिति थे। और यहाँ पे आपको दृश्य दिखाएंगे। हाँ। दाहिना साइड में एक बैंक है। हाँ। दक्षिण बिहार के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। देखिए देखिए यह बैंक। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक मध्य विद्यालय है। हाँ। शायद वो भी आप देख सकते हैं। हाँ। मध्य विद्यालय है। हाँ। और एक और काली मंदिर है। राइट साइड में माँ दुर्गा की मंदिर है। हाँ माँ दुर्गा की मंदिर। जी जी, जी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर पूजा पाठ होता है, माँ की अर्चना। इसको क्लियर कीजिए। और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आगे आगे जो बाइक वाला चल रहा है, बढ़िए जल्दी निकालिए जल्दी। गाइस फाइनली अब हम लोग सुमा पहुंचने ही वाले हैं। हाँ सुमा ग्राम में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ सुम्बा सुम्बा देखिए इधर कौन जा रहा है। ये सुमा ग्राम का ही मतलब सड़क है अंदर जाने का। ठीक 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 ठीक। ये राइट साइड में जो सड़क गया है ये पुल्ला के ऊपर, वो आपको हरदिया मिलकी बलहा सिंगिया मसान खुल जाता है। और ये लेफ्ट साइड में देखेंगे माँ गायत्री की मंदिर है, और यहाँ पे माँ दुर्गा का भी पूजा किया जाता है हर वर्ष। और ये जो जगह है यह सुंभा का नपटोलिया ग्राम है। यह मोड़ पे बहुत सावधानी से आना पड़ता है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। बिजवनिया, बिजवनिया में आ चुके हैं। और बिजवनिया एक ऐतिहासिक जगह है क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है हर वर्ष यही फील्ड में। और ये पीछे का फील्ड है, यहाँ पे कुछ खेती बाड़ी हो गया जिसकी वजह से आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ से फाइनली दोस्तों समस्तीपुर जिला खत्म हो गया और दरभंगा जिला में प्रवेश कर चुके हैं। इतना देर दोस्तों समस्तीपुर जिला में घूम रहे थे, अभी हम दरभंगा जिला में प्रवेश कर चुके हैं। और दरभंगा जिला का वातावरण देखिए, यहाँ का ही वातावरण बहुत अच्छे है। जिला दरभंगा, देखिए बाढ़ आ गया है, नदी से बाहर का पानी देखिए नदी में कितना। आप लोग सावधानी से रहिएगा बच्चा बुजुर्ग सब। बाबा भोलेनाथ की छोटी सी मंदिर है दरवेपुर ग्राम में। हाँ देखिए बाढ़ का पानी, आगे भी आपको हम दिखाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको एक पानी टंकी नजर आ रहा है, उससे पहले एक लेफ्ट साइड में रास्ता गया है जो अंदर बस्ती में रास्ता गया है। और यह जगह है दरवेपुर। और यह जगह निकलते हुए ही ज्यों ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे या हम प्रवेश कर चुके हैं महाराजपुर। और महाराजपुर में एक भव्य माँ दुर्गा की मंदिर है। यहाँ पे भी माँ दुर्गा के मंदिर में हाँ बहुत ही अच्छे से धूमधाम से हाँ चैत महीना में हाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है। हाँ
क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कि साल में दो बार दुर्गा पूजा होता है। हाँ बाबा जी। और यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए एक पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है। और हम लोग पिरौड़ी गांव आ चुके हैं। वेलकम टू पिरौड़ी। साइड में जो है ना बड़ा आसान था, राइट साइड में ये है आपको पानी टंकी। देखिए धियापुता रोड पर दौड़ रहा, और एक देखिए हमारे जो कि इस एरिया के माने जाने ही है सन पापड़ी, जो बीच बिक्री कर रहे हैं और क्या बोलते हैं कौन कौन सामान उठाते हैं जी, कौन चारा उठाते हैं, चारा वाला काम है जो आते हैं लोहा टेना प्लास्टिक। कछुआ आ चुके हैं, हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर देखिए राइट साइड में जो रास्ता जाता है वो लोधीपुर जाता है। हाँ और अभी हम अपने लगभग इस गांव पहुंच रहे हैं, थोड़ा देर यहाँ पर होल्ड करेंगे।